कोरोना महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। ऐसे में क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी ही ऐसे कुछ उपाय हैं जिनसे इस वैश्विक महामारी से बचाव हो सकता है। प्रदेश की राजधानी शिमला में लोग किस तरह से लॉकडाउन की अवधि में अपने परिवारों के साथ घरों में रहकर कोरोना से लड़ने में सरकार को सहयोग दे रहे हैं, इसका जायजा लिया डीडी न्यूज के उपनिदेशक समाचार तारिक राठौर ने। जो आम लोग घरों में बैठे हैं वो इसी एक मकसद से बैठे हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो और महामारी जो है इससे सभी ही लोग बच जाएं। इस सीरीज में हम यही देखेंगे कि परिवार किस तरह से अपनी जिंदगी जो जीते हैं सुबह से शाम तक। यहाँ हम अभी एक फैमिली के साथ जोधा निवास डेजी बैंक के पास शिमला में हैं। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती गई वैसे वैसे अपने आप को संभाला है, अभी तक हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार जिस तरह से निर्णय ले रही है कि लॉकडाउन को और एक्सटेंड किया जाए या जैसे जैसे वो रिलैक्स करते हैं उस हिसाब से आप किस तरह से इसको देखते हैं? एक देश में बहुत अच्छे बुद्धिजीवी, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि हमारे लिए क्या भला है। तो हम सब लोगों को यही चाहिए कि भाई हम अपने आप को बचाएं। इस वक्त बहुत सुंदर टाइम बीत रहा है और अच्छा जीवन बीत रहा है, हम घर पे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होती, जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी कहते नहीं है कि अब बाहर आप निकलो, तो हम अपने घर पे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे आह्वान किया है आरोग्य सेतु, आप डाउनलोड कीजिए तो आपके लिए वो यूज़फुल है, तो वो हम कर रहे हैं सारे लोग। तो हमें घर पे रहने, हमें अपना कुछ एंटरटेनमेंट, मेरी एज पे हम एंटरटेनमेंट ढूंढ सकते हैं। मोबाइल्स हैं, रिलीजियस गुरु को फॉलो करते हो तो आप उनको सुन सकते हो, तो आपके पास बहुत टाइम है सारी चीज़ें करने के लिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मैं सुबह उठ के ट्रेडमिल करता हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज वेट उठाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। किचन की मालकिन जो है उनसे हम बात करेंगे, लॉकडाउन में किस तरह से वो एक पॉजिटिव जिंदगी गुजार रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन भी डिक्लेयर कर दिया था, तो उसके बाद से मैं घर पे ही हूँ, पर मैं बिल्कुल मतलब पॉजिटिविटी से अपने घर में रह रही हूँ। और सुबह उठती हूँ, अपना पहले योगा प्राणायाम करती हूँ, हमने घर में एक मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ एक दो घंटे मैं पूजा करती हूँ, फिर आके इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर ये बच्चे और हस्बैंड उठते हैं, इनको खिला पिला के फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ अपनी मेडिटेशन के लिए, फिर लंच की तैयारी, और उसके बाद फिर 5 बजे हमारे गुरुजी का लाइव टेलीकास्ट आता है, जो कि हमारी क्वेरीज को, हमारे मेल्स को लेते हैं और उनके आंसर्स देते हैं। दिन बीत रहा है बहुत अच्छा, परिवार के साथ रहने का भी मौका मिला। सबके लिए यही है कि घबराना नहीं किसी भी चीज़ से, पॉजिटिविटी से सब ठीक हो जाएगा। और जो ये लॉकडाउन में हम लोगों को ये इकट्ठे फैमिलीज के साथ रहने का मौका मिला है, इसको इंजॉय भी करना चाहिए और खुश रह के इस टाइम को व्यतीत करना चाहिए। ये शायद जिंदगी में ऐसा मौका पहली बार ही मिला। एक अन्य परिवार का कहना था कि सभी लोगों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को जीता जा सके। बच्चे भी इस महामारी को लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं। यहाँ एक छोटी सी बच्ची है जिनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से सुबह से शाम की अपनी जिंदगी गुजारती है। मैं 3rd क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सुबह 7 बजे उठ जाती हूँ और 8 बजे नहा लेती हूँ। सुबह 10 बजे पूजा करके फारिग हो जाती हूँ मैम। तो सुबह शाम तक मैं यहीं पे घर पे रहती हूँ, कुछ पढ़ाई कर, जो हमारे उससे टेलीग्राम से शाम से कुछ होमवर्क आता है, नहीं तो अगर कोई कभी कभार नहीं आता तो उसे मैं एक पेज हमें हूँ हिंदी और इंग्लिश। क्यों घर बैठे हैं हम अभी? एकदम से कोरोना आ गया, जैसे हमारे स्कूल खुलने वाले थे एकदम से कोरोना आ गया, फिर हम स्कूल नहीं गए। मैं उनसे कहना चाहूँगी वो घर में ही रहे, घर में ही पढ़े और अपना शाइनिंग स्टार डिस्कट देखते रहे और उसी से पढ़े। अगर कोई काम ना दिया हो तो एक पेज हिंदी का, इंग्लिश, मैथ्स के सम्स करें। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से अपनी रोजमर्रा का काम जो है सुबह से शाम तक किस तरह से निभाते हैं। पूरे दिन घर के काम में बिजी रहते हैं। हम कोरोना की वजह से हम घर पे रहे हुए हैं ताकि हम अपना बचाव रख सके।
हम तो ये सोचते हैं कि कोरोना कब हट जाए। हम भी कभी बच्चों स्कूल भेजे, स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से घर में करवा रहे, हम कैसे करना, हमने हाँ जो स्कूल से वो दे रहे हैं काम बस हम वही करवा रहे हैं बच्चों को घर पे बैठ के। परिवारों से बातचीत के सिलसिले में हमने आज देखा कि दो परिवारों के साथ हमने बात की और उनके ख्यालात जाने, उनकी जिंदगी जो है सुबह से शाम तक हमने देखी। परिवार जो है उनके लिए एक अच्छा मौका कि वो एक दूसरे से अब बात करते हैं, मिलते हैं, समझते हैं, जो सामान्य जनजीवन में शायद कम ही होता है। परिवारों से मुलाकात की सीरीज का अगला शुमारा लेकर हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत,